हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे सामान्य ज्ञान, इसके बारे में, भारतीय रेलवे के बारे में जो भी जनरल नॉलेज है हम लोग वो देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी जून में रेलवे की का एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे रिक्रूटमेंट निकला है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भारतीय रेलवे सामान्य ज्ञान से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? इंजीनियर श्रीधरन। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? 2004 ईस्वी में। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? भारतीय रेलवे का। भारतीय रेल कितने क्षेत्र जोन में बांटी गई है? 17 जोन में बांटी गई है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी? बॉम्बे वीटी और कुरला। ठीक है, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। रेलवे ने यह सेवा बॉम्बे वीटी और कुरला के बीच दी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। भारत की पहली रेल ने बम्बई और ठाणे के बीच कितनी दूरी तय की? 34 किलोमीटर। भारत में प्रथम रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेल, सबसे पहली रेल कब चली है? 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की है? 4,286 किलोमीटर। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा, सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच, जिसको ये है विवेक एक्सप्रेस, कितने किलोमीटर की है? 4,286 किलोमीटर की। वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? चेन्नई और बेंगलोर के बीच। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4,256 किलोमीटर। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905। भारत की पहली रेल कहाँ चली? बम्बई और ठाणे के मध्य। सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? नेहरू सेतु। सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल नेहरू सेतु है। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? दिल्ली से बेंगलोर। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना परसेंट भाग रेलवे में कार्यरत है? 40%। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ हुई की गई? 12 अक्टूबर 1994। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन 27। उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम सबसे पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई? ठीक है, ये उत्तर रेलवे में सबसे सर्वप्रथम पहली रेल बस शुरू की गई थी, ये किस दिन शुरू की गई? राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच 12 अक्टूबर 1994 को शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट, भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जिसकी लंबाई 13,066.33 मीटर है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, यूपी, उत्तर प्रदेश। विश्व में प्रथम रेल कब चली? 1825 ईस्वी, इंग्लैंड। विश्व में, अब हम लोगों ने इसके पहले देखा था, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहले रेल चली थी, और विश्व में 1825 ईस्वी को इंग्लैंड में सबसे प्रथम रेल चली। पुणे स्थित एरिस्टेन ISO 9001:2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है? प्रशिक्षण। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1824 ईस्वी में।
भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से 1824 ईस्वी में अलग किया गया। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डियाजन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई? 2015 में की गई। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डियाजन परियोजना की शुरुआत 2015 में कानपुर से की गई। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 1984 से 85 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था सबसे पहले भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ। वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है? 10 रुपये। 2015 से 10 रुपये है रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1971 ईस्वी में। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर चेन्नई। रेलवे कोच फैक्ट्री हुसैनपुर कपूरथला। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन कितने किलोमीटर घंटा की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? 1988 ईस्वी में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? बम्बई व अहमदाबाद के मध्य। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है? मेघालय। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? माल भाड़ा। पैलेस ऑन व्हील्स के तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र में। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे से रेलवे को जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे जोन की लंबाई। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 3 प्रकार के रेल मार्ग है। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर की होती है। रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 ईस्वी को चली। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? डेक्कन क्वीन, ये विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी है। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? इलाहाबाद बम्बई कोलकाता और भोपाल। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय इलाहाबाद बम्बई कोलकाता और भोपाल और चेन्नई हैं। भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन पर उत्तर रेलवे पर कौन सा है? भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है जहां से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? हुसैनीवाला। हुसैनीवाला ये रेलवे आखिरी रेलवे स्टेशन है भारतीय रेल का उत्तर रेलवे पर, जहां से फिरोजपुर शहर 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई है? 1974 ईस्वी में। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले आगे के वीडियो आपको मिलती रहे। और आप अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ कब जब भी अपलोड किया जाएगा वीडियो आप लोग को पता चल जाएगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।